आपको इस चीज की बधाई, उस चीज की बधाई है। आ गए आप लोग, नमस्कार। अर्ज किया है, एसएमएस में सिमट के रह गया है हर त्योहार, एसएमएस में सिमट के रह गया है हर त्योहार, बंद हुआ टेलीग्राम, खत्म हुआ चिट्ठी वाला प्यार। नमस्कार, आदाब। मैं हूँ आपका खास खुराफाती, जिसे आप जानते हैं भली भांति। मैं हूँ आपका पिंटू पांडे और स्वागत करता हूँ म्यूजिक, मस्ती और बॉलीवुड गेम से भरे हुए फुलटू फिल्मी शो में, जो है मनोरंजन की फुल गारंटी, यानी बिग टॉप 20। भैया, आज के एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे हिंदी और भोजपुरी फिल्मों के 20 सुपरहिट गाने, करेंगे मेहमान से घमासान, बढ़ाएंगे आपका बॉलीवुड ज्ञान और सुनाएंगे आपके भेजे हुए चटपटे चुटकुले। और आज हम बताएंगे जूही चावला जी के बारे में 10 ऐसी बातें जो आप नहीं जानते हैं। तो भैया, शुरू करते हैं खुराफात। सबसे पहले करते हैं खबरों की खिंचाई। भैया, एक खबर से पता चला है कि विद्युत विभाग का कहना है कि बिजली बिल के साथ साथ करें बचत। इस पे ललन तिवारी का कहना है, अरे यार, बिजली बचाने के चक्कर में लाइट ऑफ करते हैं तो अंधेरा हो जाता है, अंधेरा हो जाता है तो परिवार बढ़ने लगता है, अब जो पैसा बिजली से बचता है वो सारा पैसा नए सदस्य के पालन पोषण में खर्च हो जाता है। नासा से आई खबर से पता चला है कि मंगल ग्रह पे जीवन संभव है। ये लोग अब बता रहे हैं। अरे, ये बात हमको बहुत पहले से पता है। ये पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा, ये वीना मलिक, राखी सावंत, संभावना सेठ, ये लोग कहाँ से हैं? ये सब मंगल ग्रह से हैं। आपसे आग्रह है, एक तो ऐसा यान बनाइए जिससे ये सब असामाजिक तत्व वापस वहीं चला जाए जहाँ से आया है। चाइना ने दावा किया है कि चाइना और अमेरिका के संबंध विवाह संबंध की तरह हैं। भैया, अमेरिका के लोग सतर्क हो जाइए, चाइनीज दुल्हन है, कहीं नकली भी निकल सकती है, क्योंकि मौसम के हाल और चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं है। हाची, ऊंची, माची, तुम्हारी मामारी चाची। दिल्ली की ही तरह मुंबई मेट्रो में भी लगेंगे सीसीटीवी कैमरा। इस पे एक स्ट्रगलर बबलू देवगन का कहना है, चलिए अब इसी बहाने मैं भी टीवी पे आ जाऊंगा और मेरी परफॉर्मेंस देख के हमको भट्टी की फिल्म में काम मिल जाएगा। मेट्रो अभी तो लोकल में हूँ। एक खबर से पता चला है कि महिलाओं के लिए एक बैंक बना है जिसमें सिर्फ महिलाएं ही काम करती हैं। हमको तो लगता है महिलाओं को बनाने का क्रेडिट लेने वाली एकता कपूर जी ने इसका उद्घाटन किया होगा। और यहाँ पे काम करने के लिए एक बात को 3 बार कहना पड़ता होगा, चेकबुक दे दो, चेकबुक दे दो, चेकबुक दे दो। बताइए लोग, एक तरह का ही काम 3 बार क्यों करते हैं, समझ में नहीं आता है। मैं तो अगर कोई काम 3 बार करता हूँ तो वो 3 तरह का होता है। जैसे अभी हम आपको 3 तरह रापचिक, झक्कास और मलाईदार गाने सुना रहा हूँ, तो सुनिए 3 मस्त गाने। गाना नंबर 20, 19 और 18।